So welcome back, dear students. I hope you are safe and sound. First of all, whatever we are going to learn today, this is for 6th standard and above. Okay, this is specially meant for 6th standard and above. Okay, so अभी आप ध्यान देना. अभी मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा. आई एम गोइंग टू आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, प्लीज मुझे ये सॉल्व करके बताओ. सो वॉट यू विल डू, 2 + 3 5 मल्टीप्लाई बाय 4, है ना. 2 + 3 इज 5, देन यू विल मल्टीप्लाई बाय 4. 5 × 4 = 20. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस इज राइट आंसर? ऐसा कितने को लगता है कि ये राइट आंसर है? ऑल यू डिड इज 2 + 3 किया 5, एंड देन यू मल्टीप्लाइड बाय 4. 5 × 4 = 20. दिस इज रॉन्ग. ओके, दिस इज सो रॉन्ग दैट इवन पीपल ऑफ माई एज फाइंड इट राइट. मेरे उम्र के भी जो लोग हैं उनको भी ये आता नहीं. इसलिए आई एम गोइंग टू मेक योर बेसिक्स राइट. मैं आपको बेसिक राइट करने आया हूँ यहाँ पे. ठीक है, मुझे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट लगा. दैट इज वाई आई एम गोइंग टू शेयर माई नॉलेज ऑन दिस विथ यू. यू कैन नॉट डू दिस. आप ऐसा नहीं कर सकते. ओके, डायरेक्टली यू कैन नॉट गो लाइक दिस. 2 + 3 = 5 एंड 5 × 4 = 20. दिस रॉन्ग वे टू डू इट. आई विल टेल यू द राइट वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. देर इज वन रूल नोन एज बॉडमास रूल. सम माइट नो दिस मैथड एंड इट इज वेरी कूल, इट्स वेरी गुड, बट बहुत लोग को ये नहीं पता. सो ध्यान से देखो, देर इज अ फुल फॉर्म फॉर बॉडमास. ये बॉडमास जो है इसका फुल फॉर्म होता है. बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट. यानी ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस. ऐसे क्वेश्चन जब आप देखोगे, वेन एवर यू फाइंड ब्रैकेट्स, आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है. उसके बाद आता है ऑर्डर्स. व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर्स? ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर. ऑर्डर मतलब क्या है? जैसे आपने ये देखा है कभी 2 का क्यूब या 4 का स्क्वायर, ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको. इफ यू सी दीज काइंड ऑफ नंबर्स, उसको बोलते हैं ऑर्डर, इसको सॉल्व करने का. ओके, पहले ब्रैकेट्स देखने का, उसके बाद ऑर्डर्स देखने का. देन वेर एवर यू फाइंड डिविजन, डी, उसको सॉल्व करने का. देन वेर एवर यू फाइंड मल्टीप्लीकेशन, यू हैव टू सॉल्व दैट. देन वेर एवर यू फाइंड ए एडिशन, आपको वो सॉल्व करना है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेर एवर यू फाइंड माइनस साइन सब्ट्रैक्शन, आपको सब्ट्रैक्शन करना है. सो रूल क्या है? ऐसा जाना, ऐसा पहले ब्रैकेट सॉल्व करने का, देन ऑर्डर्स, देन डिविजन, देन मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन. नाउ दिस वॉज नॉट राइट. अब इसको मैं बॉडमास रूल लगाऊंगा और आपको सही आंसर निकल के दिखाऊंगा. ओके, सो ये जो सेम क्वेश्चन है, 2 + 3 × 4, मैंने वो वापस यहाँ पे लिखा है. ओके, एंड वी आर नाउ गोइंग टू फाइंड आउट द राइट आंसर. ओके, सो इसमें हम बॉडमास रूल लगाएंगे. सो पहला क्या है? ब्रैकेट. कैन यू सी एनी काइंड ऑफ ब्रैकेट हेयर? नो, यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है. सो लीव इट. ब्रैकेट के बाद क्या है? ऑर्डर. ऑर्डर यानी ऐसा कोई स्क्वायर या क्यूब ऐसा कुछ फाइंड कर रहे हो आप यहाँ पे? नो, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, तो ऑर्डर भी यूज नहीं होगा. उसके बाद डिवीजन. कैन यू फाइंड डिवीजन हियर? नो. डिवीजन के बाद क्या है? मल्टीप्लीकेशन. कैन यू फाइंड मल्टीप्लीकेशन हियर? यस, 3, 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यू कैन सी इट राइट हियर. 3, 4 = 12. सो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. यू नीड टू सॉल्व दिस फर्स्ट. सो इसको वैसे का वैसे ही लिखो, राइट एज इट इज. ओके, देन 3, 4 = 12. आई होप यू गेट इट. आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आप पहले प्लस मत करो. यहाँ पे आपने पहले ही प्लस कर दिया था, दैट वॉज रॉन्ग. आपको पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मल्टीप्लाई क्यों? यहाँ पे प्लस भी है और मल्टीप्लाई भी है. यू नीड टू मल्टीप्लाई फर्स्ट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रूल मल्टीप्लाई पहले आता है, उसके बाद ए फॉर एडिशन, उसके बाद एडिशन आता है. अब आप ये दो नंबर्स को ऐड कर सकते हो क्योंकि एडिशन है. 2 + 12 = 14. एक्सक्यूज मी, समझ में आ गया? सो दिस इज द राइट आंसर. पहले किए थे 20, विच वॉज रॉन्ग. दिस इज द राइट आंसर 14. वाई? बिकॉज एडिशन और मल्टीप्लीकेशन थे. सो विच कम्स फर्स्ट?
फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन कम्स एंड देन एडिशन कम्स, इसलिए आप पहले मल्टीप्लाई करोगे एंड देन यू विल एड। आई होप दिस इज क्लियर ना। मैं आपको और एक एग्जाम्पल दूंगा, वन मोर एग्जाम्पल, 3 + 6 divided by 2 - 1। सो यहाँ पे यू डोंट हैव एनी ब्रैकेट्स, यू डोंट हैव एनी ऑर्डर्स, यू हैव एडिशन, यू हैव डिविजन, यू हैव सब्ट्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स, आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, आप पहले क्या करोगे, वॉट आर यू गोइंग टू डू फर्स्ट, एडिशन, डिविजन और सब्ट्रैक्शन? द आंसर इज डिविजन। वाई? अकॉर्डिंग टू द रूल डिविजन कम्स फर्स्ट। सो आप पहले ये करोगे, ओके, सो 3 + 6 डिवाइड बाई टू, 6 डिवाइड बाई टू कितना होता है, 2 × 3 = 6, यू गेट 3। सो 6 डिवाइड बाई टू इज 3, -1 - 1, समझ में आ गया, 6 डिवाइड बाई टू इज 3, बाकी का जो रेस्ट है इट इज सेम, ओके, डिविजन इज गॉन। नाउ आपके पास एडिशन है एंड सब्ट्रैक्शन है। सो अकॉर्डिंग टू रूल व्हाट आर यू गोइंग टू डू फर्स्ट, फर्स्ट वी विल डू एडिशन एंड देन वी विल डू सब्ट्रैक्शन। सो एडिशन कम्स फर्स्ट, 3 + 3, वी आर गोइंग टू डू दिस, 3 + 3 = 6, -1 वैसे का वैसे लिखो एंड 6 - 1 = 5। सो दिस इज हाउ यू अप्लाई बोडमास रूल। मैंने बहुत इजी एग्जांपल दिया, आई हैव टेकन वेरी इजी एग्जांपल, बट योर बेसिक्स शुड बी क्लियर, आपको पता हो गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है? सो प्लीज अच्छे से करना, वेन एवर पीपल आस्क यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, रिमेंबर टू यूज बोडमास रूल। सो ऑन दैट नोट, आई विल टेक योर लीव एंड वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट मंथ विथ अनदर न्यू वीडियो। अंटिल देन, टेक केयर।